Welcome to the Royal Enfield. Your bullet is powerful vehicle. Please ride carefully. This is the future. This is the future. Evolution. राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लासिक 350 के बारे में। तो इसका स्पेसिफिकेशन फ्यूचर्स के बारे में बात करूँगा। तो आज मैं वेरिएंट लेके आया हूँ स्टॉर्म राइडर। सैंड कलर्स में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मिलिट्री कलर भी बोलेंगे। सेकंड नेम है इसका मिलिट्री कलर। तो ये इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, तो इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो लास्ट टाइम भी मैं बताया था, अगर आपको विजिट करना चाह रहे हैं तो आपको बीदर में कोई है तो आपको वासु हॉस्पिटल बिसाइड आप भवानी मोटर्स को आके आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप कोई बसवा कल्याण के हैं तो आपको HDFC बैंक अपोजिट आपको भवानी मोटर्स का वहाँ भी रॉयल इनफील्ड का शोरूम मिल जाएगा विजिट करने के लिए। तो बसवा कल्याण में भी आप इसी का ब्रांच है तो वहाँ पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। एंड आपको बीदर में करना है तो बीदर में भी आप आके कर सकते हैं। तो इसका स्पेसिफिकेशन फीचर्स तो आप देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ दोस्तों। क्लासिक 350 सेंस 1901 से चलते आ रहा है इसका मॉडल। इसमें फीचर्स मिल जाएगा आपको डुअल चैनल EBS, जैसे कि एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो बोलेंगे हम लोग, सेल्फ स्टार्ट, एंड आपको किक सिस्टम भी इसमें प्रोवाइड किया। टैंक बता दो तो फ्यूल टैंक इसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लोगो मेड लाइक ए गन रॉयल इनफील्ड का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ नंबर्स मिल जाएंगे ऑरेंज एंड ग्रीन में। इंजन कलर आपको फुल्ली आपको ब्लैक कलर्स में दिया गया है, ग्लॉसी ब्लैक कलर में आ जाएगा। एंड आपको फुल्ली साइलेंसर दिख लीजिए, ये बेंड पाइप, और यहाँ से फुल्ली आपको साइलेंसर ब्लैक कलर में दिया गया है। सीट्स आपको लेदर ब्राउन कलर्स में दिया गया है इस टाइप का, जो कि ये बाइक को बहुत अट्रैक्टिव कर रहा है सीट्स। टेन लैंप की बात करूँगा तो आपको राउंड शेप में आपको टेन लैंप मिल जाएगा, राउंड शेप में आपको टर्न इंडिकेटर लैंप्स, इस टाइप का आपको रियर व्यू दिखा देगा। फर्स्ट तो बता दूं मैं इसके इंजन के बारे में, तो इंजन में आपको पावरफुल 350 का आपको CC मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर के साथ। एंड इसमें मिल जाएगा, मैक्स पावर की बात करूँगा तो मैं आपको 19.8 BHP 5250 RPM, मैक्सिमम टॉर्क आपको 28 Nm 4000 RPM, वाल पर टू सिलेंडर मिल जाएंगे आपको। फ्यूल डिलीवरी आपको कंसेंस्ड वैक्यूम कार्बोरेटर मिल जाएगा। कूलिंग सिस्टम आपको एयर कूल का ऑप्शन दिया गया है। सेल्फ एंड किक सिस्टम इसमें मिल जाएगा। कर्व वेट बता दूं तो 192 kg का ये बाइक है। फ्यूल कैपेसिटी आपको 13 लीटर मिल जाएंगे, और रिजर्व फ्यूल का ऑप्शन आपको 2 लीटर्स मिल जाएगा। 5-speed गेयरबॉक्स मिल जाएंगे। फुल टैंक फ्यूलिंग करवाएंगे तो आप 500 किलोमीटर्स तक आपको ओवरऑल रेंज इस बाइक का है। फ्रंट वाला सस्पेंशन देख लीजिए आपको, 35 mm का आपको सस्पेंशन मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। करूँगा तो मैं रियर में मिल जाएगा आपको सस्पेंशन, ट्विन गैस चार्ज शॉक अब्जर आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड 5-way एडजस्टेबल आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब क्या 5-way एडजस्टेबल एडजस्ट इसमें कर सकते हैं। फ्रंट वाला ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँगा तो फ्रंट में आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, 280 mm का आपको डिस्प्ले मिल जाएंगे। इसमें आपको ABS सिस्टम भी ऐड किया हुआ है, एंड इसमें आपको RLP भी दिया गया है। एंड रियर में बात करूँगा तो रियर में आप देख लीजिए इसका डिस्प्ले, तो इसमें आपको मिल जाएगा 240 mm का आपको डिस्प्ले मिल जाएंगे, और इसमें RLP भी दिया है स्पीड सेंसर। इसके डायमेंशंस के बारे में, इसमें लेंथ मिल जाएगा 2160 mm का मिल जाएगा, हाइट इसका 1019 mm मिल जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा तो 135 mm इसमें मिल जाएगा। सीट हाइट की बात करूँगा तो 800 mm का इसका सीट हाइट है। फ्रंट वाला व्हील की बात करूँगा तो मैं आपको फ्रंट में मिल जाएगा इसमें 90x90 19 inches का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो टायर है। एंड इसमें आपको रिम देख लीजिए, ब्लैक कलर में आपको रिम मिल जाएगा,
और रियर की बात करूँगा तो मैं रियर में देख लीजिए, आप रियर में थोड़ा बड़ा टाइप का आपको टायर मिल जाएगा, जो कि इसका साइज़ है 110/90, 18 इंचेस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा पीछे में। तो फ्रंट के मामले में थोड़ा छोटा दिया गया है, इसमें भी आपको ब्लैक कलर्स का रिम का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। Human error. Evolution.